फुलिया साइड वहाँ पे, फिर इसने एकदम देखा टाइम देखने के लिए फोन, तो फोन नहीं, तो फिर वहाँ से वापस आए, देखते देखते आ रहे थे कहीं पड़ा नहीं है, पड़ा नहीं यहाँ है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं, एक बाइक की डिलीवरी है, बाइक की ये अपने आबूज बहन भाई से बड़े बड़े, और ये करण भाई अपने, और ये एक और भाई, और ये मेरा भाई। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो इसका फोन कहीं गिर गया है, पता चल गया है, बाकी देखते हैं इसका, अभी उसके पास चलते हैं। वो अभी अपने मम्मी को लेके कहीं चला गया, वापस जाते हैं तब वो फोन की भी बातचीत होगी, बाकी चलते हैं। डिलीवरी वीडियो आ गई। तो हम लोग रास्ते में जा रहे हैं शोरूम, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये वही भाई है जो हम लोग संडे राइड में गए थे, तो हम लोगों ने रिवील करा था कि ये बाइक ले रहा है, तो आज वो फाइनली आ ही गया। जब वो बाइक ले रहा, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वो अभी अपनी मम्मी को लेके गया है स्कूटी पर, और हम लोग यहीं से जा रहे हैं। वो चल रहा है आगे, बच गए, तो चलते हैं। बाकी अब सीधे शोरूम का व्यू देते हैं चल के। आज हम लोग पहुंच गए शोरूम, तो यहाँ ये लोग तो खड़े हुए हैं, अपने बाइक पार्किंग पर लगाते हैं पहले। और जिसको लेनी वो तो आए ही नहीं, हम लोग पहुंच गए सब। भूल तो नहीं क्या ज्यादा एक्साइटमेंट में। और ये रहा शोरूम यामाहा नटराज मोटर्स, ये है अपना फजलगंज चौराहे से पास में। और बाकी अब अंदर का व्यू दिखाते हैं। इनमें से भाई की कोई भी नहीं, बाइक ने बहुत जुगाड़ लगाया, उसको V4 नहीं पसंद बिल्कुल, तो उसने V3 के लिए बहुत खर्रा जुगाड़ बिड़ाया। और ये नटराज यामा जो है, इसमें उसको मिल भी गई है, अभी दिखाते हैं। वो खड़ी भाई की बाइक बाहर दिख रही हो अगर, बाकी डिलीवरी में दिखाते हैं। बाहर खड़ी रखी है उसका पेंट खराब करने के लिए। और ये करण भाई, तो सारा प्रोसेस चल रहा उधर। और ये अपने यामा के डीलर और ब्रोकर दलाल, जिसको लेना हो कांटेक्ट करें। क्या कह रहे हो, 20 रुपए दो एक राज की बात बताएंगे हैं? कह रहा 20 रुपए दो एक राज की बात बताएंगे तुम। इस बारे में नहीं है, जीपे हैरान जाएंगे। चलो स्वागत में पानी आ गया है यूट्यूबर्स के लिए, और जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। अरे भाई उधर दे देते। हाँ यार भाई, जो लेने आए उनका स्वागत कर, पता चले यहाँ कहीं फालतू में आ गए पीने पानी। और ये पानी आरओ का तो बिल्कुल भी नहीं, इसका रिव्यू करण भाई देंगे। बस नो नो नो, ऐसा लग रहा है से। और ये मतलब ये देसी पानी है, इसको एक्वा पीना ना समझे कि ज्यादा स्वागत कर रहे हैं हम लोगों का। लो तो अपने देखो कितने हो गए, आबूज भाई के लिए स्पेशल कैलकुलेटर यामाहा वालों की तरफ से गिफ्ट मिला। हाँ तो गाइस, फाइनली बाइक की डिलीवरी होने जा रही है, और अभी दिखाते हैं यहाँ भाई, वो चाबी देंगे जो देते हैं कार्डबोर्ड वाली, भाई इनका दिखाते हैं अभी। कैसे तो गाइस, फाइनली भाई
फाइनली डिलीवरी ले रहे हैं, मतलब अभी पेपर तो मतलब जो अंदर डलेगा कवर वो तो है ही है, लेकिन अभी जो मतलब एक प्रोसेस होता है ना यहाँ पर चाबी देने का, तो वो होके फिर अंदर कवर डलेगा। भाई क्या हाल है गजब यार, भाई बस बाइक की डिलीवरी ले ली भाई ने, बाइक की भाई हो गई मस्त। और ये है अपने R15 ब्लैक कलर में भाई, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन भाई गजब की। अच्छा क्या कही तो करण भाई, मस्त भाई मस्त भाई, क्या लग रहा है। तो भाई बहुत खुश है और भाई ये खुशी वर्थ है यार। फाइनली हम लोगों की वीडियो के जरिए इनको लाइक्स मिले और 5,000 वो पूरे हो गए जो इनके बच रहे थे पिछली वीडियो में। और आज ये बस यार गजब। तो भाई डिलीवरी ले चुका है भाई अपनी बाइक की और ये अपनी एरो, और हम लोग थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके थे, अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और भाई कसम से यार बाइक बड़ी प्यारी लग रही थी और हम लोगों को लेना था, तो हम लोग भी एक बार को मूड चेंज कर रहे थे कि MT के बजाय ये R15 ही ले लेते हैं, पर MT इज़ लव, MT की जगह कोई नहीं ले सकता। और बाकी भाई व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दबा के शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो भाई हम लोग आ गए घर के पास जहाँ फ़ोन गिरा था, तो जिसने फ़ोन उठाया तो वो आ रहा अभी घर से और देने के लिए तैयार हो गया। फिलहाल पहली बार मैं कह रहा हाँ भाई यहाँ गिरा था, मिल गया हमको, ले लो हमसे। तो भाई इसके घर के बाहर आ गए, वो फ़ोन लेके आ रहा, अभी दिखाते हैं इसी वीडियो को। इसमें जैकेट में डाले थे और ये जैकेट को ना चैन है ना उसमें कुछ है, तो जैसे झटके में उछला होगा तो नीचे गिर गया। अरे हम लोग चले गए धोबिन पुलिया साइड, वहाँ पे फिर इसने एकदम देखा टाइम देखने के लिए, फोन नहीं, तो फिर वहाँ से वापस आए, देखते देखते आ रहे थे कहीं पड़ा नहीं है, पड़ा नहीं यहाँ है, तो उधर वो लोग बैठी थी दीदी लोग, तो हमने बता दिया कि क्या फोन गिर गया, क्या तो हम कहा हाँ दीदी फोन गिर गया, तो बताए हम उधर ले गए। भाई जैसा कि आपने उससे देख लिया होगा तो फोन ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और ये फ़ोन गिर के नहीं ऑफ़ हुआ, उनने ऑफ़ करा था उसके उसमें कि ना आए, अगर एक आध दिन देखते ना मिलता तो अपना जेल जाते, पर ये तो हम पहुँच गए तो तुरंत, अब फ़ोन ऑन हुआ तो तुरंत मेरे मैसेज आया, नहीं तो वैसे अगर गिरने से ऑफ हुआ था तो इन्होंने ऑन उस टाइम क्यों नहीं करा, अब क्यों करा देने के टाइम, ये ऑन करके लेके आए देने क्यों करन, और क्या सही है। अगर उसी अगर गिरने से अगर ये ऑफ हो गया था तो इनको उसी टाइम खोल के हम लोग कॉल कर रहे थे यहाँ से, तो इनको कॉल रिसीव करनी चाहिए या वो जो भी करते, अब ये देते टाइम फोन खोलना है और क्या। चलो भाई बाकी फोन मिल गया, अब देखो थोड़ा चमक आई चेहरे में, बाकी चलते हैं ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय।